नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और वो कहानी किसी एक धर्म या एक जगह की नहीं है। कई बार किस्सों कहानियों का किसी एक से वास्ता नहीं होता, वो सिलसिलेवार चली आ रही होती। क्योंकि आज इस कहानी के बाद मैं भारतीय राजनीति का एक ऐसा दृश्य बताने जा रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक नायाब तरीका खोजा है जिसने राजनीति को नए तरीके से परिभाषित किया है। उसके पहले ये कहानी समझिए। कहानी ये है कि एक बार एक मोहल्ले में एक व्यक्ति आया जो किराए पर मकान लेता है और मकान मालिक को नहीं बताता है कि वो चिकन भी खाता है, मांसाहारी भी है। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार का वो नियम नहीं लाया था कि हर दुकानों पर आपको नाम लिखना होगा, पहचान बतानी होगी। ये वही देश है जहां बाबा साहब अंबेडकर भी अपनी पहचान छिपा कर रहे 10 दिन। 11वें दिन पता चल गया कि नहीं भाई, तुम तो दलित हो, अछूत हो, पारसी बन कर रहे थे, इसलिए क्योंकि कोई रहने को घर नहीं दे रहा था। आज भी इस देश के बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज ऐसी हैं जहां अगर आप मुसलमान हैं, दलित हैं या कुछ और जातियां हैं जिनसे ताल्लुक रखते हैं, तो आपको किराए पर मकान नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल उससे बड़े बड़े सवाल सामने हैं। मकान मालिक ने किराए पर मकान दे दिया, बाद में पता चला कि मसालों की महक आ रही है और मकान मालिक जाकर देख रहा था, कह रहा अरे ये तो चिकन बना रहा, तुमने तो भ्रष्ट कर दिया हमें, सब पाप हो गया। बाद में कहा कि अच्छा अब क्या होगा, तो उसने कहा चलो एक तरकीब है, मैं शुद्धिकरण कर देता हूं। गंगा जल ले आया, गंगा जल से उस व्यक्ति के ऊपर और मकान के ऊपर शुद्धि करते हुए कहा कि जाओ, अब पैदा तो तुम अस्पृश्य हुए थे लेकिन अब आज से तुम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, रह सकते हो, क्योंकि वो किराया ज्यादा दे रहा था। अगले दिन फिर वैसे ही महक उसके किचन से आने लगी। मकान मालिक भागता दौड़ता उसके किचन में पहुंचा तो देख रहा है कि वो व्यक्ति किचन में चिकन बनाने के पहले गंगा जल लेकर उस पर छिड़क रहा है, कह रहा है जाओ तुम पैदा तो चिकन हुए थे लेकिन आज से तुम आलू हो गए। और ये देखकर वो मकान मालिक बेहोश हो जाता है, क्योंकि इस किताब में तो इसके आगे लिखा ही नहीं था जिससे छिड़क देने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है तो उसके आगे क्या क्या छिड़कने से लोग पवित्र और अपवित्र होंगे। मुझे संत कबीर याद आते हैं। फिर राजनीति के किस्से पर लौटता हूं कि किसने किसके ऊपर क्या छिड़क के पवित्र कर दिया। महात्मा कबीर लिखते हैं और बहुत विस्तार में, बहुत कायदे से लिखते हैं, और आज से 700 साल पहले लिखते हैं, संत आंदोलन के जरिए लिखते हैं। मलमल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। पता नहीं आज कबीर होते तो शायद इस बात को कहने पे ही उनके ऊपर कितने मुकदमे हो जाते, लिंचिंग हो जाती, कुछ भी हो सकता था, बुलडोजर चल जाता। लेकिन कबीर थे जो लिख गए, गंगा नहाए जे नर तरे हैं, अजी मेढक क्यों न तरे जिसका गंगा में ही घर है। जटा बढ़ाए जे नर तर हैं, अजी मोरनक क्यों न तरे जिसके लंबे लंबे पर हैं। और शंख बजाए जे नर तरे हैं, अजी गधा न तरे जिसके शंख जैसा स्वर है। कहे कबीर ते नर तर हैं जिनके चित्त में सत है। महात्मा कबीर थे, 800-700 साल पहले थे, लिख गए। उसी समय बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह अपने अंदाज में लिखते हैं कि जे रब मिलदा न्याते आ धोतिया, ते वो मिलदा डडूगा मछियां तू। अगर नहाने धोने से रब मिल जाता, डुबकी लगाने से मिल जाता, तो सबसे पहले मछलियों और मेढकों को मिल जाता। जे रब मिलदा जंगल फिरदा, ते वो मिलदा गाइयां बच्चियां नू। जंगल जंगल भटकने से अगर वो रब मिल जाता तो गायों और बच्चों को उनको पहले मिल जाता। जे रब मिलदा मंदिर मसीती, ते ओ मिलदा चाम चिड़ियों नू।
अगर मंदिर मस्जिद में भगवान मिलता तो वो चाम और पक्षियों को भी मिल जाता, क्योंकि चाम और पक्षी तो रोज कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वे बोलिया रब उन्हें मिलदा, जाके दिल में अच्छियां सचियां। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि राजस्थान में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए पार्षदों पर भाजपा के विधायक ने गंगा जल और गौमूत्र का मिश्रण छिड़क कर उन्हें पहले शुद्ध किया, तब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। मुस्कुराइए मत, ये सच्चाई है। 2024 सितंबर का आखिरी सप्ताह, जब भारत नया भारत बन रहा है, जब इस देश में एआई टेक्नोलॉजी पर देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि एआई मतलब अमेरिका और इंडिया 8000 करोड़ की प्लेन से उड़कर गए थे, भारत में जब वो एक बहुत बड़े उद्योगपति को इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं एआई का मतलब, हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है तो पहले आई बोलता है फिर एआई बोलता है। उस देश में जिस देश के प्रधानमंत्री तकनीक की बात करते हैं, उसी देश में जिस देश में आईआईटी में पढ़ने वाले दलित बच्चे को 17,000 रुपए फीस जमा करने के नहीं मिल पाए और दावे सरकारें करती हैं कि वो इच्छुक को मदद करने के लिए मुद्रा लोन से लेकर शिक्षा लोन तक जाने क्या क्या खजाना खोले हुए हैं गरीबों के लिए, मगर उस आईआईटी में पढ़ने वाले दलित बच्चे की 17,000 रुपए फीस जमा न होने के चलते उसका एडमिशन कैंसिल हो गया और वो टूट गया। ये वो देश है, ये वो देश है जिसमें गौमूत्र और गंगा जल छिड़क कर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को शुद्ध करके अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। ये वो देश है जिसमें तिरुपति मंदिर के पीछे की कहानी कुछ और हुआ करती थी, वहां एक लड्डू बना करता था और उस लड्डू की जांच गुजरात के एक संस्था में होती है और पूरे देश में विमर्श चल गया कि वहां तो एनिमल फैट पाया गया है उस लड्डू में। पता चला वही लड्डू अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भी बटा था और फिर एक पुजारी की फोटो आई कि वो मंदिर को और तिरुपति से लेकर अयोध्या तक जितना कुछ अपवित्र हो गया था उसे भी यूं ही कुछ छिड़क करके पवित्र कर दिया गया। ये इस देश में हो रहा है। धर्म पर कई बार लोग नहीं बोलते कि वो आस्था का विषय है, तर्क से वहां बात नहीं होती, इसीलिए तो धर्म में अब नए नए बाबा आ गए हैं जो अनाप शनाप कुतर्क और पाखंड फैला रहे हैं और उनको लोग टीवी चैनल पर बिठाकर उनके पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी महात्मा कबीर इसी देश में कह गए थे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। उसी देश में पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं की फेहरिस्त आ गई है, उनकी रील्स वायरल होती हैं। वही जो ये कहते हैं कि क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे, कथा समाप्ति के बाद कहते हैं कि अपनी जेब में जो लेकर आए हो वो दक्षिणा में डालते चले जाओ। धर्म किसी एक धर्म में, पाखंड किसी एक धर्म में नहीं है, अगर गहराई में जाएंगे तो अनगिनत पाखंड और अंधविश्वास हर धर्म में हर तरह से मिलता है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे यहाँ भोजपुरी का एक गाना है कि आदमी गल चांद पे गांव में डाइन बार भूत है। एक व्यक्ति मुझसे बोला कि भगवान नाराज होकर के इस दुनिया को छोड़कर चले गए और भूत डर के इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि ऐसा दौर आ गया कि कुछ आदमी ही इंसान ही भगवान बनने का दावा करने लगे तो भगवान इस बात से खफा होकर के दुनिया छोड़ गए कि इतना सब कुछ है यहां मैं क्या करूंगा,
और जो भूत प्रेत और डाइन थे वो ये दुनिया छोड़कर इसलिए चले गए कि जो काम उनका था वो यहां के इंसान करने लगे। और इस तरह से अब ये पाखंड बढ़ते बढ़ते राजनीति में चला गया, क्योंकि राजनीति इस पाखंड का इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे नेताओं को जो कि कांग्रेस से आए हैं या किसी क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन कराती है, और जैसे ही ज्वाइन कराती है उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जो जांच चल रही होती है वो खत्म हो जाती है। ये नायाब वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मजाक में ही नहीं, हमेशा ये लोग कहते थे कि जाओ तो तुम पैदा तो कांग्रेसी हुए थे, आज से तुम भाजपाई हो गए। ये अब मशीन उस तरीके से भी काम करने लगी। क्या सोच रहे होंगे कबीर, कबीर का ये देश है। मैं बार बार कबीर को याद करता हूं और कबीर को कहता हूं कि पढ़ा करो आप, इससे पहले कि पढ़ने लायक है ना बचो। जाओ तुम पैदा तो भ्रष्टाचारी हुए थे, तुम्हारे ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, तुम करप्शन के शिकार थे, जाओ लेकिन आज से तुम शुद्ध हो गए और भाजपाई हो गए। और जैसे ही तुम भाजपाई हो गए वैसे ही तुम राष्ट्रभक्त हो गए, वैसे ही तुम देशभक्त हो गए, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हो गए। वरना कल तक कांग्रेस में रहने वाले बड़े बड़े नेता, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेता जो कांग्रेस में रहे पूरे समय तक, रहे कई पीढ़ी से रहे, वो जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ इतना अमानवीय और इतना खराब बोलते हैं जैसे लगता है कि फिर से एक मुझे किस्सा याद आता है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। क्यों बोला इस तरह के कांग्रेस के लोगों ने? और क्या कांग्रेस में अगर कोई पार्षद था तो वो अछूत था क्या? ये मेरा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल। आज के वीडियो केवल इतनी ही बात पर मैं आपसे साझा कर रहा हूं। मसला केवल इतना नहीं है कि राजस्थान के एक बीजेपी विधायक बाल मुकुंद, जो कि पहले भी बहुत तरह से विवादों में रहा है, कौन सड़क पर क्या बेचेगा, ये बीमारी कोई एक पार्टी की तो है। उत्तर प्रदेश में वो नियम आया और फिर उत्तराखंड तक पहुंच गया, हिमाचल तक पहुंच गया। हिमाचल की तरफ से कुछ विधायक और वहां के नेता और कांग्रेस के लोग कहने लगे कि हमारे यहां भी अब नाम लिखा जाएगा। आपको पता है कि इस देश में किस तरीके से नाम लिख करके अपमानित करने की बात आती है कि नाम क्यों लिखा जाएगा। फिर कांग्रेस ने सफाई दी कि नहीं नहीं नाम नहीं लिखेंगे, अब उनको पहचान उनकी रखेंगे और उनको उचित जगह देंगे ताकि उनका काम आगे बढ़े। ये जो बीजेपी का विधायक है बाल मुकुंद, ये गंगा जल और गौमूत्र छिड़कता है पहले उन पार्षदों पर जो कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल नंबर एक, क्या ये बीजेपी का विधायक यह संदेश देना चाहता है कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियों के कोई नेता हैं तो वो अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, पापी हैं? क्या लोकतंत्र में यही सबक इस बीजेपी के विधायक को मिला? यही इसकी शिक्षा है, यही इसकी दीक्षा है? बाकायदे अगर हेडिंग चल रही है कि गौमूत्र और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया जा रहा है तो उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या शुद्ध करने की बात की गई? वहां तो उन्हें केवल एक फायदा हुआ, अगर वो प्रफुल्ल पटेल है, अगर वो हेमंत बिस्व शर्मा है, अगर उसका नाम नारायण राणे से लेकर के तमाम उन नेताओं की तरह है जो कल तक बीजेपी के बाहर थे, तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जांच चल रही थी और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी सारी जांच बंद हो जाती है। तो ऑलरेडी बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बनी हुई थी, भ्रष्टाचारी बाहर है, बीजेपी में आया तो संस्कारी और राष्ट्रभक्त बन जाए। लेकिन राजस्थान का ये बीजेपी विधायक अब यह कहना चाहता है कि ये लोग अछूत हैं, पहचानिए कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर गंगा जल छिड़क कर वो पवित्र किया जा रहा है। क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसे पीने का पानी भी जाति देखकर मिलता था नहीं मिलता था।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में चौदार सत्याग्रह यानी महार सत्याग्रह करना पड़ा कि तालाब का पानी जिसे पशु पी सकते हैं उसे इंसान नहीं पी सकता, क्योंकि उसकी जाति अछूत की है। भारत का संविधान बना तो अछूत होने को गैर कानूनी और दंडात्मक बनाया गया कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, मगर इंद्र मेघवाल मटका पानी का छूने पर मारा गया। और आज भी इस देश में जाति है, लेकिन इस देश में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर देने वाले लोग जाति जनगणना नहीं चाहते। इसलिए इस पर विचार करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को लोकतंत्र का कौन सा सबक सिखाना चाहती, और क्या भाई बीजेपी के बाहर जितने लोग हैं वो अछूत हैं, अपवित्र हैं, और क्या गंगा जल छिड़क देने से वो पवित्र हो गए क्या, इसका दावा क्या है। संतों मानुष तन बौराना, महात्मा कबीर पहले से लिख गए, साधो ऐसा जग बौराना कि साच कहो तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना, संतों मानुष तन बौराना। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।